तुम्हारी नाक इतनी शार्प है, मैं अपना बर्थडे केक कट कर सकता हूँ. विकी कौशल, विकी कौशल, लव हिम, लव हिम, लव हिम टू नो लिमिट. इज अमेजिंग. मुझे पता नहीं उनका ओरिजिनल हैंडल क्या है, तो मैं भी बहुत एक्साइट हो गई. सबको बता दिया मैंने. टर्न्स आउट उनका फैन पेज है. कौन है वो जिसने पीछे मुड़ कर मुझे नहीं देखा? Who is he? I'm very bad at this, guys. नमस्कार, मैं नम्रता दुबे. और आजकल इंटरनेट पर कहे या चारों तरफ का एक ध्वनि बहुत ही छाई हुई है और उसकी खूबसूरत आवाज आपके कानों में जब पड़ती है ना, तो आप भी उनकी ध्वनि के दीवाने हो जाते हैं. जी हाँ, ध्वनि भानुशाली मेरे साथ हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू सो मच. जब हमने सुना तो बता दें किसके वास्ते, काफी रोमांटिक गाना है, तो कैसे प्रिपरेशन किया, कैसे माइंड में आया, कुछ बता दें. बेसिकली ये सॉन्ग तनिष्क के पास था पहले से और आई थिंक इट वॉज वन ऑफ हिज फर्स्ट कॉम्पोजिशंस. और उसके बाद आई थिंक काफ़ी सालों बाद उन्होंने सुनाया और यू नो वी वर्कड अराउंड इट और उन्होंने पूरा ट्रैक तैयार किया, मैंने गाया और अराफत सर ने लिरिक्स लिखे हैं. वो हुआ, उसके बाद वीडियो कॉन्सेप्चुलाइज हुआ जो विनय राधिका ने किया और आई थिंक हमने जेवियर्स में शूट किया और 3 दिन का शूट था. And I think it turned out amazingly well. People are loving the storyline, जो build की है video में. काफी ज़्यादा youngsters में खासकर popular हो गए, तो उस वक्त college चल रहा था, कुछ exam वगैरह चल रहे थे? हाँ जी, तब exam चल रहे थे उसी college में, तो हमको बहुत low volume पे काम करना पड़ा था. कुछ मतलब students आए मिले बात के, कुछ reactions दिया उन्होंने? हाँ, कुछ students आए थे photo लेने, तो वो हुआ. बाकी सब तो हम बहुत फास्ट काम कर रहे थे क्योंकि एक वीक आई थिंक हमने 30th, 31st और 1st को शूट किया और आई थिंक 4th, 5th को भी रिलीज डेट ना, छोड़ो 5th को भी रिलीज डेट. तो आपका जो सफर है काफी फटाफट आगे बढ़ रहा है, तो कुछ किसी एक का ऐसा रिएक्शन फीडबैक आपको मिला हो जो आपके दिल में मतलब छू गया हो कि ये इस फीडबैक की बहुत जरूरत थी? आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा फीडबैक यू नो जो मेरे दिल को छूता है वो होता है पब्लिक का. तो ये जरूर पूछूं कि YouTube के एक दो या कुछ कमेंट्स आप पढ़ती हैं? हाँ, मैं पढ़ती हूँ. एक याद हो आपको कुछ है ऐसा कोई कमेंट? एक बहुत फनी था, लेजा पे आया था, उस पर लिखा था तुम्हारी नाक इतनी शार्प है, मैं अपना बर्थडे केक कट कर सकता हूँ उससे. लाइक अच्छा, ओके. और भी कुछ रिएक्शन लाइक इंस्टाग्राम वगैरह पे कुछ आया अलग से? ऐसा कुछ पेक्यूलर जो मुझे है जो याद नहीं है मुझे, बट अभी आज सुबह वो अरिजीत सिंह वाला एपिसोड हुआ था, सो मेरे डैड ने मुझे भेजा वो स्क्रीनशॉट के वो अरिजीत सिंह है शेयर्ड इट समथिंग बड़ा ही सही. सो आई सॉ इट. मुझे पता नहीं उनका ओरिजिनल हैंडल क्या है, तो मैं भी बहुत एक्साइट हो गई. सबको बता दिया मैंने. टर्न्स आउट उनका फैन पेज है. सो अरिजीत सिंह की बात की, तो तब के जो सिंगर्स हैं और अब के सिंगर्स में आपके कोई फेवरेट हैं, ऐसे कोई है जो अब और आप में, पहले मैं बता सकूं? मुझे सब सिंगर्स पसंद हैं. मैं सबसे कुछ ना कुछ यू नो सीखने को मिलता है और सबसे कुछ ना कुछ उठा के अपने यू नो स्टाइल में उसको शामिल करना, यू नो दैट्स व्हाट आई डू. सो अभी मुझे अरिजीत सिंह बहुत पसंद है, मुझे सोनू जी पसंद है, मुझे श्रेया मैम पसंद है, मुझे सारे आर्टिस्ट पसंद है. आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है? क्योंकि सिंगर से ये पूछना काफ़ी मुश्किल होता है कि उनका एक कोई फेवरेट सॉन्ग हो, लेकिन फिर भी है कुछ एक फेवरेट कोई? एक फेवरेट सॉन्ग नहीं, सरफिरी श्रेया मैम ने गाया था, मुझे वही याद है. आएगी ना ये समझ मेरी, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, बट देन इट वाज इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स. आई थिंक मैं वो सॉन्ग नहीं गा पाऊँगी ठीक से, क्योंकि आई थिंक शी कैन डू खूबसूरत है. अगर वास्ते की बात करें तो शूटिंग के दौरान आपने कहा कॉलेज में शूट हो रहा था, तो आप भी पढ़ाई कर रही हैं, तो कैसे सब मैनेज कर रहे हैं आप? मैं मतलब मेरा लास्ट ईयर चालू है, तो बट मेरे को पहले से आदत है, मैं करती रहती हूँ 2-3 चीज़ें, मेरे को जगल करना अच्छा लगता है, अदरवाइज लाइफ एम्प्टी लगती है मुझे. तो मुझे ऑलवेज बिजी रहना अच्छा लगता है, तो मैं
कमेंट्स पढ़ रही थी आपकी तस्वीरों के नीचे या फिर सॉन्ग के, तो कई लोग कह रहे थे कितने क्यूट है, इनका क्रश कौन है, पूछो किसको पसंद करती है, मतलब प्रपोजल्स भी आ रहे थे. तो है कोई क्रश, कुछ बतावा है आप, लाइक बॉलीवुड में कोई एक्टर? आई थिंक रणवीर सिंह एंड व्हाट्स हिज नेम, फॉरगॉट, द उरी एक्टर विकी कौशल, लव हिम टू नो लिमिट, इज अमेजिंग. गाना नहीं थोड़ा सा रोमांटिक सा कुछ, लाइक उनको इमेजिन कीजिए अपने आप. देखिए याद ही नहीं आ रहा है, एक भी गाना नहीं आ रहा है सुर में. ये थोड़ा बाद में करते हैं, मुझे सोचना पड़ेगा. तो इतने सफर में आगे बढ़ने के लिए जरूर कोई एक मोटिवेशन हमारे साथ होता है, तो आपको किसी ने ज्यादा मोटिवेट किया हो, ऐसा कोई आपकी जिंदगी में हो कोई? आई थिंक मेरे डैड मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं, और जो मतलब मेरी मॉम ने मुझे सिखाया, बट डैड ने भी सिखाया, बट वो ऑलवेज मोटिवेट करते हैं, उनका अलग ही वे है. और उस आई थिंक मैं बहुत अटैच्ड हूँ उनसे, और उनकी सारी बातें यू नो सुन के मुझे लाइफ यू नो जीना है. काफ़ी खूबसूरत भी हैं, आपकी आवाज़ भी खूबसूरत है, तो हम आपको एक्टिंग करते भी कभी देख पाएंगे आगे, मतलब कोई प्रोजेक्ट? आई थिंक आप मुझे वीडियो की 3 मिनट वाली एक्टिंग करते देख पाएंगे इसके आगे. एक्ट्रेस की बात करें तो बॉलीवुड में आपकी कोई फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? अभी फिलहाल तो सारा अली खान, आई थिंक शी इज फिनोमिनल एंड ब्यूटीफुल. उनसे पहले करीना कपूर. करीना कपूर खान, तो उनके कोई डायलॉग कुछ याद है आपको? मुझे एक ही है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझे याद एक ही है, द पू वाला डायलॉग. कौन है वो जिसने पीछे मुड़ कर मुझे नहीं देखा? हु इज ही? आई एम वेरी बैड एट दिस गाइस. सिंगिंग के अलावा और क्या करना पसंद करती हैं अक्सर, लाइक फ्री टाइम में और ऐसे? सिंगिंग के अलावा फ्री टाइम में मैं सिंगिंग करती हूँ, और म्यूज़िक सुनती हूँ, और लिखती हूँ, हाँ बस, और फ्रेंड्स के साथ चिल करती हूँ. वास्ते हमने देखा जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, उसके बाद और कोई अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दें? अभी फ़िलहाल तो मेरा ब्रेक होगा 1 महीने का, बिकॉज पढ़ाई चालू है और एग्ज़ाम है May 20th को, तो मुझे पढ़ना है, तो अभी आई एम ऑफ, बट आफ्टर द एग्ज़ाम अभी बैक. आई थिंक एक सिंगल है और कुछ और भी होगा.